जीत की खाती बस जुनून चाहिए कि जीत की खाती बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमां भी आएगा एक दिन जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जो कि है न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करें, और वो भी आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, और इस वीडियो में बताई गई टिप्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी न्यूमेरिकल्स को यूं ऐसे चुटकियों में आप सॉल्व कर पाएंगे, जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्यूरी था कि भाई सर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और फॉर्मूलाज ही याद नहीं होते, ये कोई ट्रिक है क्या जिसके माध्यम से हम न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करें? तो आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं, और इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको फॉलो करना है, उसके बाद आपकी न्यूमेरिकल्स की स्पीड बहुत ही तेज़ हो जाएगी, किसी भी न्यूमेरिकल को झट से आप सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि फॉर्मूला पूरा तैयार करें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत है कि आप फॉर्मूला अच्छे से तैयार नहीं कर पाते, जिसके वजह से अगर गिवन दैट भी आपने लिख दिया कि जो जो क्वेश्चंस में दिया गया है वैल्यू उसको भी लिख दिया, तो आपका दिमाग ये नहीं मतलब निकाल पाता कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि आधे अधूरे फॉर्मूले आपने मतलब याद किए हैं। इसलिए जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के सभी फॉर्मूला को लिख के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिख के प्रैक्टिस कर देते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाती हैं। इसलिए पहले फॉर्मूला अच्छे से फिट करिए, याद करिए, और उसके बाद अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाइए। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट्स आपको ये करना है कि फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लेना, जितना भी फॉर्मूला है सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि गिवन दैट लिखते ही आपके दिमाग में ये घंटी बजे कि अरे ये फॉर्मूला लगेगा, ये इतनी चीज़ें हैं क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला लगेगा, इतनी चीज़ें हैं तो वो फॉर्मूला लगेगा। इस तरीके से आप अगर फॉर्मूला याद करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला का चयन कर पाएंगे, और उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। दूसरे टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी टिप्स है स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में जल्दी के कारण या घर पर बहुत तेज सॉल्व करने के कारण हम जो है वो क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को ऐसे पढ़ जाते हैं कि दु 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 दु। ऐसे काम नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। भाई जल्दी भी पढ़ेंगे समझ नहीं आएगा तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा समय लगा के एक बार अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ जाइए, क्योंकि एक बार अगर क्वेश्चंस को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके दिमाग में ये घंटी बजने लगेगी कि कौन कौन सी चीज़ें क्वेश्चन में दिया गया है और उन चीज़ों के इस्तेमाल से हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर वो चीज़ें फिट हो गई तो आप फॉर्मूला को यूं खोज पाएंगे और उन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके वो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें ताकि आप फॉर्मूला का सिलेक्शन कर पाएं और जल्द से जल्द न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएं। तीसरी चीज कि गिवन दैट पर ज्यादा फोकस करें। अभी मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा स्टूडेंट्स आपको, जिस एग्जाम्पल के जरिए आप उस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मतलब ये चीज फॉर्मूला अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, और उसके बाद गिवन दैट पर ज्यादा फोकस करें कि उस क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है, किसकी वैल्यू दी गई है, किसकी नहीं दी गई है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सारी चीजें जब आपको पता रहेंगी तभी आप उस न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, ताकि इस एग्जांपल के जरिए आप ये समझ पाएं कि हम किसी भी न्यूमेरिकल को यूं ऐसे मतलब जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं, तूफान की रफ्तार से कैसे सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पे है, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैंने दिया है, और ये एग्जांपल के लिए दिया है कि दो कोलाम के दो बराबर परंतु विपरीत आवेश 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा। ठीक है, तो आप इसके लिए सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दो कोलाम यानी क्यू का मान दिया गया है कितना, दो कोलाम, दोनों आवेश एक दूसरे से 0.04 मीटर की दूरी पर हैं, यानी डी का मान कितना दिया गया है, 0.04 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों चीजें हमने लिख दिया। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह रहा है तो इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं और P का मान आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, अभी आपके दिमाग में एक घंटी बजी होगी अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, तो वो घंटी क्या बजी होगी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला आता है P बराबर Q इंटू डी।
पी बराबर क्यू इंटू डी है, पी का मान निकालना है तो क्यू का मान रखिए 2 और गुड़े डी का मान रखिए 0.04। जैसे ही ये दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 8 और बटे में 100, यानी कि 8 × 10^-2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप निकाल सकते। देखा आपने मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले गिवन दैट लिखा, ये दोनों चीज लिखा और इसको निकालना था, तो मेरे दिमाग में सीधे ये घंटी बजी कि भाई दो चीजें जब लिख दिया, तीसरा निकालना है, तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो Q और D में रिलेशन प्रदर्शित करता है। तो फट से याद आ गया कि P बराबर Q इंटू D, और उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं मानता हूँ कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल चीज़ें निकालनी होती हैं, लेकिन ये एक स्टार्टिंग तरीका है, इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो बड़े बड़े से क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि शुरुआत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स। अगर आपने शुरुआत कर दिया, छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए, तो बड़े बड़े क्या हैं, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। तो पत्थरों से बचना शुरू करिए, आप बहुत आगे जाएंगे। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए, तभी आप बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। घबराएंगे तो फिर बिल्कुल नहीं होगा। इन टिप्स का इस्तेमाल करिए और एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन करिए। बाकी इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की आज की ये वीडियो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरीके की जबरदस्त वीडियो के लिए CUET हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।